की मुबैना कार्रवाई और फायरिंग से हलाक होने वाले खलील के घर पे इस वक्त में मौजूद हूँ, जो कि बिल्कुल मातम कदा बन गया है। खलील के घर वालों का कहना है कि ऐसा कभी कोई वाकया पेश नहीं आया, कभी कोई मोहल्ले में भी लड़ाई नहीं हुई, तो उनको जो दहशतगर्द का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। पाँच बहनें खलील की और पाँच ही भाई है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर रहे। अच्छा बताइए, हमारा एक भाई कैंसर का मरीज है, उसका भी वही ख्याल रखता था, मेरा भाई सब का ख्याल रखता था, हमारा सब कुछ वही था, हमारा सहारा भी वही था जिसे गोलियां मार दी उन्होंने। अब इंसाफ चाहिए, वैसे में इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो तो शादी पे गया था, हमारा भाई शादी पे गया था। खलील यहाँ से शादी पे बुरे वाला गया था और उसको खुद गाड़ी चलानी नहीं आती थी, जिस पर वो ड्राइवर जिशान को, जो कि इसी मोहल्ले का रिहायशी है, उसको साथ लेके गया था। उनका कहना है कि कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो इन पर दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर गलत है और इंसाफ की अपील करी है। पाँच बहनें हैं खलील की और पाँच ही भाई हैं, एक भाई कैंसर का मरीज है, खबर सुनते ही उसकी भी हालत नासाज होगी और वालिदा को अभी तक नहीं बताया गया। इनकी अपील है जी पंजाब से और आला अफसरान से कि फौरी तौर पर इनको इंसाफ दिलाया जाए जी।